श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, मैं हूं शिव भक्त प्रीति और लेके आई हूं आज का नया वीडियो। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। कॉलेज के लड़के ने लिखकर भेजा था, कृपया गुरुजी से पूछकर बताएं कि सबसे ज्यादा दूध श्रावण के महीने में ही शंकर भगवान पर क्यों चढ़ता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। भैया आप कथा सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। श्रावण के महीने में शंकर भगवान पर गाय का दूध सबसे ज्यादा इसलिए चढ़ता है क्योंकि गाय हरा चारा खाती है। बारिश होने लगती है आषाढ़ से तो हरा चारा खाना गाय चालू कर देती है, और गाय जब हरा चारा खाती है तो उस हरे चारे में हो सकता है कोई जीव हो, कोई झिंगूर हो, कोई ऐसा जीव हो जहरीला, और वो गाय उस चारे को खाते खाते उसके शरीर में हरे चारे के रूप में वो विषधर जीव भी चला जाता है। जब विष अंदर जाता है तो गाय के रक्त के शरीर की नाड़ियों के माध्यम से दूध में मिल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक कारण यह है कि गाय का जो दूध कच्चा निकलता था श्रावण के महीने में, वो शंकर भगवान को समर्पित कर देते थे कि ये विष वाला दूध हमारे घर में कोई पिए ना। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध चढ़ता है, पका हुआ नहीं, क्योंकि कच्चा दूध अगर श्रावण के महीने में हम पिएंगे तो हो सकता है उसमें कोई जीव हो और वो हमारे भीतर जाए, विष उत्पन्न कर दे। इसलिए श्रावण में पका हुआ दूध गर्म कर उसको पिया जाता है, पर शंकर भगवान को कच्चा समर्पित किया जाता है। विषधर को विष ही धारण हो सकता। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।